नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। और आज हम यहाँ पे आगराम देवी चौक पहुँचे हैं, जहाँ पे इस्कॉन नागपुर की तरफ से 5 लाख लोगों को यहाँ पे अन्नदान दिया जा रहा है। श्री राम जन्म सोपर जो यहाँ पे आज जो यहाँ मनाया जा रहा है, पूरे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे में पूरे भक्त लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे अन्नदान सभी को दिया जा रहा है इस्कॉन आइकॉन की तरफ से। और यहाँ पे जो हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे, जानते हैं उनसे कि इनके पीछे उनका मेन उद्देश्य क्या है। सर क्या कहेंगे, क्या मेन उद्देश्य है आपका? हरे कृष्णा। तो इस्कॉन का इस्कॉन की ओर से जो शोभा यात्रा हो रही है, जिसके नागपुर में जो संसार का सबसे बड़ा महोत्सव है और उसमें नागपुर सबसे अग्रेसर है कि रामनवमी शायद ही नागपुर में जितना बड़ा होता है उतना कहीं होता होगा। तो इस्कॉन के और से एक हमने इनिशिएटिव लिया है जिसमें नागपुर के जितने भी, क्योंकि इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो सभी को इस्कॉन की ओर से भगवान का महाप्रसाद मिलना चाहिए। तो कितने लोगों को यहाँ पे अभी तक अन्नदान किया जा रहा है? अभी लास्ट ईयर हमने 1 लाख लोगों को ड्रोन प्रसाद वितरण किया था। तो नागपुर में डिफरेंट लोकेशन पे पिछले साल 5 लोकेशंस थी, इस बार हमने 6 लोकेशंस पे 5 लाख ड्रोन वितरण का संकल्प लिया है। जी, जो ये जो संकल्प लिया गया है इसको कहाँ कहाँ आपने कौन-कौन से एरियाज में साकार किया गया है? तो ये जो 5 लाख ड्रोन वितरण का हमारा संकल्प है, तो सबसे पहले तो हमने रामनगर जो पश्चिम नागपुर में वहाँ से स्टार्ट किया है, वहाँ पे एक स्टॉल है। दूसरा स्टॉल हमारा कॉटन मार्केट चौक पे है। तीसरा स्टॉल हमारा अग्याराम देवी चौक में है। चौथा हमारा बड़कर चौक में है। पाँचवा हमारा सराफ लाइन में है। और छठा जो स्टॉल है वो इतवारी पोस्ट ऑफिस के पास है। तो इन 6 स्टॉल में से हमारा प्रयोजन है कि 5 लाख लोगों को हम अन्नदान करें। जी, इस्कॉन नागपुर का संकल्प है कि 5 लाख लोगों तक अन्नदान करना है। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं सुरेंद्र सिंह नागी, महाराष्ट्र टीवी 24।